रा वत हुआ फी और बहलाने फुसलाने लगी वो औरत जिसके घर में वो थे यानी वही जिसने उनको बेटे की तरह पाला था उस पर ऐसा शैतान सवार हुआ कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ बुलाया विल अबवाब और उसने तमाम दरवाजे बंद कर दिए वाल तलक तो उसने कहा कि तुम मेरी उस ख्वाहिश को पूरा करो कल मतलब तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह की पुनाह में आता हूँ नहू रबी आहसना मसवा बेशक मेरा जो रब है वो मेरा मोहसिन है उसने मुझे बड़ी इज्जत दी है यहां यहाँ रब से मुराद सूर्य यूसुफ़ के उसलूब में जो रब आ रहा है वो मालिक के लिए आ रहा है आगे भी चल के रब का लफ्ज आएगा आ, मालिक के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ बेशक जो मेरा मालिक है यानी तेरा खामन उसने मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की है वो मेरा मोहसिन है मैं उसके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ और अगर ये रब्बी से मुराद आप अल्लाह की तरफ ले जाए तब भी दुरुस्त है दोनों बातें बेक वक्त दुरुस्त है लेकिन अक्सर जो तर्जुमा करने वाले हैं उन्होंने रब्बी की जमीर लौटाई है उसके खामंद की तरफ उस औरत के खामंद की तरफ जो कि यूसिला इस्लाम का मालिक भी था इन्नहु इन्नाफलिमून बेशक जो जुल्म करने वाले हैं वो कभी फला नहीं पा सकते वलकद हम्मत भी और बेशक उस औरत ने बुराई के साथ कसर किया उसका यूसुफ का वह हम बिहा और यूसुफ भी उस औरत का कसर कर लेता लउला बुरहान रबी अगर वो अपने रब की रोशन दलील ना देख लेता इससे ये बात भी पता चली कि अलैहिस्सलाम भी बुराई कर सकते थे अगर अल्लाह ताला स्पेशल उनकी प्रोटेक्शन ना करता और दूसरा मुर्जाना तौर पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज दिखाई जिसकी वजह से वो इस बुराई से बच गए जाहिर कोई सबब तो अल्लाह ताला ने बनाना होता है वह इसराइली रवायतों में मिलता है कि उन्हें हजरत यकूब की शक्ल दिखाई गई और वह उंगली से इशारा कर रहे थे कि तुमने ये काम नहीं करना या यान मुमकिन है अलैहिस्सलाम उनके सामने जाहिर हों और उन्होंने उनको गाइड किया हो या जिस तरीके से वो ईरान वालों ने फिल्म में फिल्माया कि वो औरत जो है उन्हें शैतान की नज़र आने लगी यानी वो शक्ल उसकी शतान वाली उन्हें दिखने लगी तो ये एक बहुत बड़ी एक उनके लिए ऑब्जर्वेशन थी बरल कोई बहुत गैर मामूली चीज है जो अल्लाह ताला ने कहा है कि रोशन दलील हमने उनको दिखाई है कोई वो कोई भी दलील हो सकती है उसकी तफसील बयान नहीं की गई है तो उसकी वजह से वो उस औरत के फितने से बच गए इससे ये भी पता चला कि ये इतना बड़ा फितना है कि वो औरत जो उसकी मां थी मुंह बोली मां तो थी और उस औरत को भी देखें कि उसने बच्चों की तरह जिस लड़के को पाला उसके साथ वो बुराई में मुबतला होने वाला मामला उसको शैतान ने उकसाया इसीलिए इस्लाम ने मुंह बोले मां बेटे बहन भाई का रिश्ता नहीं रखा हुआ सीधी सी बात है वो उसमें इस तरह के चांसेस हो जाते हैं जब तक के महरम वाला रिश्ता ना हो जाली काली नफाश ये दलील हमने इसलिए दिखाई कि ताकि इसके जरिए से हम इस तरीके से दूर कर दें यूसुफ से वो बुराई और बेही के काम को इन नहू मिन बेशक वो हमारे मुखलस यानी चुने हुए बंदों में से एक थे ये लफ्ज है मुखलस दो लफ्ज है अरबी में एक है मुखलिस जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मुखलिस कहते हैं बड़ा खालिस है यह बंदा इखलास शो करने वाला हर मुसलमान की मुमिन की यह ख्वाहिश होती है कि वह मुखलिस हो अल्लाह के लिए अपने दीन को खालिस करे कमिटमेंट शो करे कमिटेड हो लेकिन हम होते हैं मुखलस इससे भी आला दर्जे की डिग्री कि वो तो अल्लाह के लिए कमिटेड है ही है अल्लाह उन्हें अपने लिए चुन लेता है तो वो जबर के साथ बोला जाता है मुखलस ये जबर और जेर से जमीनों आसमान का फर्क हो जाता है मुखलिस रब के लिए अपने आप को खालिश करने वाला मुखलस जिससे अल्लाह अपने लिए खुद खालिश कर ले ये तो यात्रत दर्जा है बिया तो मुखलस होते हैं मुर्शिद रुशदो हदायत देने वाला मुरशद जिसको रुशदो हदायत दी जाए यानी वो पैसिव का ये एक सीखा आप समझ लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुर्शिद हैं और हम नबी के मुरशद हैं हमें उन्होंने हदायत दी और वो हमारे हादी हैं अब ये मुर्शिद और मुरशद का इतना फर्क है पंजाबी में तो चले चल जाता है मुर्शदा दीदार वे बेबाहू तो वो मुर्शद कह रहे होते हैं लफ्ज मुर्शद है इस तरीके से नबील इस्तम के लिए भी ये नारे जब लगाते हैं सईदी मुर्शिदी ये लफ्ज मुर्शीदी बोला जाएगा मुर्शदी नहीं बोला जाएगा लेकिन ये क्या बोलते हैं सयदी मुर्शदी हाँ जिनको हमने हदायत दी हुई है नाउदिल्ला ये उल्ट तर्जमा हो जाता है फिर जवाब में वो कहते हैं या नबी या नबी इसके जवाब में होना चाहिए उम्मती उम्मती तो नारा ही गलत बनाया हुआ है या नारा था उसकी प्रोनाउंसिएशन इन्होंने गलत कर दी सईदी मुर्शिदी सईद के नीचे भी जेर और मुर्शिद के नीचे भी जेर तो ये मुखलिस और मुखलस बाब और दोनों दौड़ पड़े दरवाजे की तरफ व कद्दत कमी सहू मिन दुबर और उस औरत ने उनके पीछे भागते हुए जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो पीछे से उनका कुर्ता फट गया वो फाड़ डाला वह अलफया सईदार लदल बाब और बस इसी हालत में दरवाजे के पास उसका खामंद औरत का आ गया अब चोर तो उसका पकड़ा गया तो इससे पहले कि यूसुफ अल उसकी बीवी की शिकायत उसे करते जाहरा उनका करेक्टर तो था अपने मालिक के सामने तो उनकी बात भी सुनी जाती लेकिन उसकी औरत ने झूठा बहाना किया और किस तरह उसने अल्फाज इस्तेमाल किए कालत मा जजा उमन अरादा बी कसू इल्ला उसने कहा कि बताओ जो तुम्हारी घर वाली के साथ बुराई का इरादा रखता हो उसकी सजा या बदला जजा जब नेगेटिव मानों में लिया जाएगा तो वो फिर बदले के मानों में होगा और अगर पॉजिटिव मानों में हो तो इनाम के मानों में अरबी में दोनों के लिए जजा का लफ्जी तो उसका बदला या सजा सवाए इसके क्या होगी इल्ला युस जना औ आदाबन अलीम कि या तो उसे कैद में डाल दिया जाए या उसे दर्दनाक सजा दी जाए अब उसने तो अपना मुकदमा पहले सामने रख दिया बहरल वो शरीफ इंसान था उसने सिर्फ अपनी बीवी की बात के ऊपर इक्तफा नहीं किया यूसुफ यूसफ्लाम की बात भी सुनी कौला यूसफ्लाम ने कहा ही वदतनी अन नफसी ये जो कुछ बोल रही है तो झूठ कह रही है बल्कि इसी ने मुझे अपनी तरफ बुलाने की और बहलाने की नाकाम कोशिश की थी तो उन्होंने बस इतना मुख्तसर जुमला बोला कि झूठ बोल रही है इसने कोशिश की तो अल्लाह ताला ने गैबी मदद की यूसलाम की वह शाहिद शाहिद अहलिहा तो एक गवाह ने जो कि उस औरत के रिश्तेदारों में से था खामद के रिश्तेदारों में से होता तो औरत ने कहा मानना था तो बाय चांस वहां पे कोई उसी औरत का करीबी रिश्तेदार था जो कि हमायती था उस औरत का उन रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार मौजूद था अल्लाह ताला ने कोई ऐसा गैबी मामला किया तो वो बोल उठा उसने एक इल्मी बात की जो बिल्कुल मंतकी थी कि ये तरीका है जज करने का उस जमाने में तो सीसी कैमरा नहीं होते थे और बाकी मामला उस तरीके से तो नहीं होते थे कि कोई काउंटर वेरिफिकेशन की जा सके ईरान वालों ने वैसे फिल्म के अंदर यह फिल्माया कि वो कोई एक शीर बच्चा था न्यू बॉर्न बेबी था जो बोल भी नहीं सकता था तो वो बोल उठा और उसने ये बात की जो अगली बात रिपोर्ट हुई है अल्लाह की कुदरत से बैद नहीं है लेकिन ये इतनी गैर गैरमूली बात थी कि कुरान में रिपोर्ट होनी चाहिए थी मुआवजे के तौर पर कि शीर खारगी में बच्चा बोला है जिस तरह के ईसा इस इस्लाम माँ की गोद में बोले तो अल्लाह ताला ने उसे रिपोर्ट किया है कि ये एक गैर गैरमूली एक वाक़ है जो कानून कुदरत को तोड़ने वाला है मुआजा है तो ये भी मुआवजा होना था और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह का कोई वाक़ा हुआ होता तो ये इतना गैर मामूली वाक़ था कि उसके बाद तो वहाँ लोगों को समझ लेना चाहिए था कि यूसूल इस्लाम कोई आम इंसान नहीं है और वहीं से उनकी दावत का आगाज भी हो जाता सबसे पहले तो अजीज मिसर उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता तो ऐसी कोई बात रिपोर्ट नहीं हुई इससे लगता ही है कि वो कोई सियाना आदमी था समझदार कोई सीनियर आदमी था जिसके पास अकलो दानिश थी और उसने मशवरा दिया अपना उसने कहा कि इनकान कमीसू उदमिन कबुल अगर तो ूसफ अलीस्म की कमीज आगे से फटी हुई है तो फिर तो यूसुफालाम मुजरिम है क्योंकि एन मुमकिन है कि इनकी हाथापाई हुई हो तो औरत अपनी इज्जत बचाने की खातिर सामने से ज्यादा उसकी कमीज पकड़ेगी और फाड़ देगी ये लॉजिकल चीज थी फसद वाह मिनल का दिबीन तो फिर वो औरत जो है वो सच कह रही है और यूसुफ जो है वो झूठों में है अगर वो ये बात कर रहा है वह इनका आना कमीस दमिन दुबर और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो ये तो फिर सीधा इशारा है कि यूसुफ ने भागने की कोशिश की और इस औरत ने उसे अपनी तरफ खींचा है ये लॉजिकल भी है कि इसी किस्म का ही कोई मामला फिट इन बैठता है वह इनका आना कमीस हो दुबर और अगर ये पीछे से कमीज फटी हुई है फका जबत हुआ मिनत सा तो फिर ये औरत झूठी है और वह सच्चों में से है देखें वाकई कोई सीनियर मेंबर था कि जिसने स्टार्ट इस्लाम को झूठा कहने से किया है पहले वो पॉसिबिलिटी बयान किया जिसमें इस्लाम झूठे थे और फिर वो पॉसिबिलिटी बयान किया जिसमें यूसुला इस्लाम सच्चे थे और दूसरी उसने समझदारी यह की है कि उसने उसकी बीवी को डायरेक्टली झूठा या सचा नहीं कहा बल्कि कहा कि ये झूठ बोल रही है लेकिन इस्लाम के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि झूठों में से है और अगर यह मामला हुआ है तो यह सचों में से है फलम रो आ कबीसू बस जब अजीज मिसर ने उसकी कमीज को देखा कुमिन दुबर कि वो पीछे से फटी हुई थी काला इन निन कई दी कन तो उसे समझ आ गई समझदार था हट धर्म नहीं था उसने अपनी बीवी की साइड भी नहीं ली सच्चाई के लिए खड़ा हुआ जाहिर है कि ये इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें इंसाफ के ऊपर ही चल रही थी बेदीनी के बावजूद इंसाफ और अदल की वजह से ही तो कामयाब थी तो जब उसने देखा कि कमीज पीछे से फटी है तो काला इन निन कई दी ये तुम औरतों का ही फरेब है इन न कई दुन न अवीम और बेशक तुम औरतों का मकरो फरेब इंतहाई खतरनाक होता है वही फौरन अपने आप को मजलूम साबित करना आंसू निकल आना अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए चीहों पुकार करना शुरू कर देना बहाने बनाना शुरू कर देना तो ये औरतों की एक अल्लाह तला ने खूबी मैं कहूँगा कि खामी नहीं कहूँगा खामी तो आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से है दुनिया में तो एक खूबी है कि वो अपनी बात में सच्चा होने के लिए इस तरह के रास्ता इख्तियार कर लेती हैं देखें वो कह रहे हैं कि इन न कई बेशक तुम औरतों की जो काराना चाले जो है वो बड़ी पहुंची हुई चालें होती हैं यूसुफ और फिर अजीज मिस्र ने यूसुफ अल से कहा आर उदायन हा आ तू तो एक अच्छा इंसान है इस मामले को जाने दो यानी ये जो घर के अंदर मामला हुआ है ये पर्दे में ही रहे तुमने बाहर किसी से बात नहीं करनी इस मामले को यहीं दफन कर दो ज़ाहिर है कि इतनी तो उसने अपनी बीवी को फेवर दी कि उसे सजा नहीं दी नाराज तो हुआ होगा फिल्म में तो उन्होंने दिखाया कि वो मरते दम तक फिर नाराज ही रहा है बस जरूरतन ही गुफ्तू करता था और ये रियलिटी भी लगती है इसी तरह ही हुआ होगा कि एक औरत को इतनी इज्जत से रखा हो इतने बड़े मनसब के ऊपर और फिर वो इस किस्म की हरकत करे और अपनी बीवी से उसने कहा फिरी लिज़म बिक कि तू अपने गुना की माफ़ी मांग इन न की बेशक तू ही कसूरवारों में शामिल है अब ये गुनाहों की माफ़ी कोई अल्लाह से मांगने वाली नहीं थी या शायद कोई टूटी पुटी फॉर्म में उनके जो देवता होंगे प्लस ये गकुल बाद वाला जो मामला है वो तो जाहिर है इंसाफ का था एन मुमकिन उसने ये कहा हो कि तुम यूसुफ से माफी मांगो अपने इस गुनाह की जो तुमने इल्ज़ाम लगाया अब ये मामला तो घर के अंदर हुआ लेकिन खबर लीक हो गई जिस तरह आजकल वीडियोज लीक हो जाती हैं और वो खबर किस तरह लीक हुई होगी यकीन यूसुफ इस्लाम ने तो नहीं की और रजीज़ मिसर ने भी नहीं की होगी और उस औरत ने भी नहीं की होगी क्योंकि बाहर से लोगों ने फिर बातें करनी थी कि ये अपने गुलाम के साथ इस तरह का मामला कर रही है ये भी एक गाली पढ़नी थी उसको तो घर में जो काम करने वाली हैं उनके जरिए खबर लीक हो गई है वो घर के अंदर सुनती हैं और फिर वो खबर जो लीक करती हैं ना जिसको भी बताती हैं साथ कहती हैं कि अग्ञे नहीं दसना हाँ और यूं करते करते खबर फैल गई और यही सीन उन्होंने फिल्माया उसमें और यकीन यही इन बैठता है वो कॉल फिल मदीना और कहने लगी उस शहर की औरतें इमरातुल अजीज जो अजीज मिस्र की बीवी है तो फताहा फताह नफसी वो तो अपने नौजवान गुलाम को अपने नफ्स के लिए वर्गलाना चाहती थी और ये वो टॉन्ट के तौर पे बात कर रही है कि देखो कितनी गई गुजरी है कि इसने ये बुराई वाला जो मामला है वो भी अपने गुलाम के साथ किया है कद शहाब्बा बेशक गुलाम की मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है इन्ना लाना फी मुबीन। ये तो बिल्कुल ही गई गुजरी है गुमराही में डूब चुकी है अब यहाँ पे गुमराही में डूबना यह नहीं है कि वो उसे कोई गुनाह के तौर पर यानी एक हमारी जो नॉर्म्स चल रही है माशरे की उसके एतबार से तो मतलब इतनी गई गुजरी है ये ये उन मानों में अब जाहिर है औरतों की चालें तो फिर है ना आप देखे ना वो औरत कैसी चाल चलती है इनके साथ फलम मस जब समियात बी मकर इस किस्म की मकराना जो बातें थी वो सुनी उस औरत ने कि अच्छा ये मेरी बखीलियां कर दी पंजाबी में कहते हैं मेरी इवत कर रही है सलत अलई हिंद तो उसने सबकी तरफ पैगाम भेजा आतदत लहुन ला मुतका आ और उसने उनके लिए एक बाकायदा मसंदें अरेंज की कोई आप समझ लें कोई डिनर पार्टी या कोई लंच अरेंज किया उस जमाने में ये मामला होते थे और जाहिर है कि उसमें उसने आम मिस्र की औरतें तो नहीं बुलाई हैं जो हुकूमती लेवल के जो छोटे वजीर थे उनकी बीवियों को उसने मधु किया सुबाई वजीर या वफाकी वजीर तो उनके लिए उसने मसनत तैयार की व वा कुल्ला वाहिद मिनहन्ना सिक्की और उनमें से हर एक को उसने एक छुरी दे दी वकालत खरुजायला हिंद और फिर यूसुफ को कहा कि इन औरतों के सामने आओ इससे ये लगता है कि उनका आना जाना बाहर नहीं था बड़े बड़े महल थे तो उन्होंने उसको अंदर ही सारा कुछ परवरिश वाला मामला किया और यही उन्होंने वीडियो में दिखाया वो तो पूरे पूरे सिटी जबाद थे तो औरतों को ये नहीं पता था कि वो कितने खूबसूरत हैं यूसुफ अलैहि सलाम का जो हुसन है तो उस महफिल के अंदर यूसुफ अलैहि सलाम को बुलाया जा रहा है गुलाम थे उन्होंने ऑर्डर तो कबूल करना था फलम तो जब उन्होंने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जाहिर है कि अल्लाह के पैगंबर भी थे खूबसूरत भी थे फिर उनके एक चेहरे की वजह थी अकबर ना हो तो उन्होंने उसको बहुत बड़ा ख्याल किया वा आई दिया हुन और बस इसी कश्मकश कश्म में उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली यानी जख्मी कर ली ये नहीं है कि उंगलियां काट दी है ये नहीं और जाहिर है कि पाक मुख्तसर बात कर रहे इसमें फिलिंग द्लैंक्स हम कर सकते हैं जो हमें रवायतों से पता चलता है कि वो सेब दिए खाने के लिए पेश किए और छुरी उनके हाथों में दी बस एन उस लम्हे में जब वो सेब काट रही थी काटने के दौरान जरा वो छिलका उतार रही होंगी यूसलेस नाम जब आए तो उनकी तरफ मुतवजे हुई वो औरतें तो वो काटते हुए उसमें ऐसी मुतवजे हुई कि उनके हाथों का भी कोई पोर्शन कट गया जिस तरह हमारे डॉक्टर सार साहब उस्ताद कहा करते थे कि किन मुमकिन है कि किसी औरत का हाथ जख्मी हुआ और यूसफ अम चूँकि गुलाम थे वो उसकी मरम पट्टी करने के लिए उसके करीब हुए हों तो बाकी औरतों ने जानबूझ के ही वो अपने हाथ थोड़े थोड़े काट लिए हों तवज्जो हासिल करने के लिए जिस तरह घर में भी बच्चों से भी ऐसा मामला हो जाता है अगर किसी बच्चे से दूसरे बच्चे को जख्म लग जाए तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत जख्म लगा लेता है मज़लूम बनने के लिए ये कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है बहरहाल कुछ भी हुआ एक एक्सट्रॉनली वाकया था बाकियों के भी हाथ जख्मी हो गए वकुल्ला हा श्ला तो वो ताजुब में उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक है मा हादा बशारा, ये तो इंसान नहीं लगता इन हादा इल्ला मलकुन करीम ये तो नहीं मगर कोई बहुत मोज्ज़ फरिश्ता यहां जो अल्लाह का लफ्ज आया है या फरिश्ते का जिक्र है इससे मुराद कतन ये नहीं कि वो अल्लाह में या फरिश्तों में मानने वाले थे जो एक मुहावरतान बातें चल रही होती थी ना जिस तरह हम देखें हमारे रिलीजन में कहीं देवता का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन यहां पर भी जब साफी जुफ्तु करते हैं तो किसी पॉलिटिकल लीडर का जिक्र करते हुए जब वो अपने आप को बड़ा समझता है तो कहते हैं जी ये तो देवता बन रहा है ये तो महात्मा है हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो हमारे रिलीजन में नहीं है लेकिन चूंकि मुहावरतन चीजें चल रही होती हैं इसी तरीके से जमीनी खुदा यह टर्म भी बोली जाती है ताकतवर लोगों के लिए तो इस तरह की जो मिसालें दी जाती हैं वो मुहावरतन बसाउकात औकात दूसरे मज़ाहब के लोगों से भी उस जुबान में आ गई होती हैं क्योंकि यहां पर कोई ऐसी हमें तफसीलात नहीं मिलती कि वो खुदा के मानने वाले थे या नहीं थे इसके उलट जरूर मिलेगा जब यूसुफ जेल में जाएंगे और वहां दावत रखेंगे और वो बताएंगे कि ये जो बुत तुमने घड़ नहीं की तो मुमकिन है उनका भी वही हो कि ऊपर एक खुदा है बाकी ये छोटे छोटे जो आलिया हैं जिनके बुत बनाए हुए हैं छोटे छोटे देवता हैं गॉड्स हैं इस किस्म का ही उनका कॉन्सेप्ट हो तो उस कॉन्सेप्ट में बड़े खुदा को अल्लाह कहा जाए और आसमानी कोई मखलूक है उसके लिए फरिश्ते की टर्म हो तो इस एतबार से चल रही हो बारल तोहीद वहाँ उस फॉर्म में मौजूद नहीं थी वो वही बुध परस्ती के अकायद नज़रियात थे जो अगली कौमों में एग्जिस्ट करते थे और अल्लाह तला पैमरों के जरिए उनकी तस्हर करता था तो एथियस नहीं थे खुदा में बिलीव करने वाले तो थे वो बरल वो टूटी पूटी फॉर्म में एक तोहहीद का एक मामला चल रहा था तो उन्होंने कहा कि यह तो इंसान लगता ही नहीं है यह तो एक मुकरफ फरिश्ता है कालत अब तो मौका मिल गया अजीज मिसर की बीवी को जिसका नाम जुलेखा रिपोर्ट हुआ है तो रात के अंदर फजाली फी ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी तो देख लो तुम्हारी हालत क्या हुई है कि एक दफा देखा है तो तुम्हारे साथ ऐसा मामला हो गया और मेरे तो ये घर में रहता है यानी वो अपने गुनाह को अभी भी जस्टिफाई कर रही है अपनी उस बगावत को और देखे अगली दिलरी वॉ वत हु नफसी मैंने उसे बहुत कोशिश की है अपनी तरफ बुलाने की फस्त आसम लेकिन उसने अपने आप को बचा के रखा है है बड़ा पक्का है ये कुन्ना है यार वो तो उसको बुराई के तौर पर जिक्र कर रहे होंगे ना कोई तारीफ के लिए नहीं किया क्योंकि अगले अल्फाज देखें वाला इल्लम मा अगर इसने वो काम ना किया बुराई का जिसकी तरफ मैं इसे माइल कर रही हूं लायुस जनन तो मैं जरूर इसे कैद में डलवा दूंगी ये कैद में डलवा दिया जाएगा वाला तो जरूर हो जाएगा छोटे लोगों में बे आबरू लोगों में जरीलुखार हो जाएगा यानी वो यही समझते थे जब आप किसी को जेल में डलवा रहे हैं तो उसे जेल होगी तो मुराद यह कि मुजरिम है तो ये काम मैं इसके साथ करूंगी यानी वो अभी तक अपने उन मामलात से पीछे नहीं हटी और अपनी उसी ढिटाई के साथ उसी बुराई के ऊपर कायम है अब उसने तो अपना पूरा प्लान किया हुआ था कि मैं उस सूरत में जब ये मेरी बात नहीं मानेगा इसे जेल में डलवाऊंगी और अल्लाह ताला का भी प्लान था कि यूसफ अम को ये बात क्लिक की कि इस वक्त इस औरत से जान छुड़ाने का जरिया अब कैद खाना ही है तो फिर उन्होंने अगली आयत में आएगा वो इंशाल्लाह अगली दफा हम कवर करेंगे अल्लाह ताला से दुआ की बजाय इसके कि मैं इस बुराई में मुबतला हूं तो या अल्लाह मुझे जेल की जिंदगी कैद खाने की अजीज है इस चीज से कि मैं बुराई में मुबतला हो जाऊं और तेरा बागी हो जाऊं देखें उन्होंने गुनाह से बदकारी से बचने के लिए तकलीफ बर्दाश्त कर ली उमूमन आपको नेक काम करने के लिए एक तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है कि एफर्ट पुट करते हैं बुराई से बचने के लिए आपको सिर्फ इरादा करना पड़ता है कि मैंने ये नहीं करना मसल नमाज एक देखी का काम है इसको करने के लिए आपको वजू करना पड़ता है मस्जिद में जाना पड़ता है अर की जितने हैं वो अदा करने पड़ते हैं लेकिन गुनाह से बचने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता सिर्फ एक फैसला करना पड़ता है गाली मुंह में आई भी है गुस्से की वजह से आप फैसला करते हैं मैंने नहीं निकालनी तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता लेकिन देखें पैगंबरों को बुराई से बचने के लिए नौ से दस साल की कैद काटनी पड़ रही है तो देखें उन्होंने फिर अपना आप मनवाया है अल्लाह तला जब किसी को रुतबे देता है तो फिर उस पर आजमाइशें भी डालता है ये बड़ा पॉइंट का नुकता है कि गुनाह से बचने के लिए उन्हें नौ से दस साल जेल में काटने पड़े हालांकि गुनाह से बचने का तो इनाम होना चाहिए दुनिया में ना मिले तो आखिरत में यहां गुनाह से बचने के लिए उन्हें एक सजा काटनी पड़ी और यूसुफ़ इस्लाम की भी कितनी बड़ाई है कि उन्होंने उस गुना की सेंसिटिविटी को समझा कि मैं गुना से बचने के लिए अगर तकलीफ भी मुझे उठानी पड़ती है तो मैं अल्लाह ताला की बगावत का कोई काम ना करूं हाँ मैं ये तकलीफ बर्दाश्त करूं यह नौ दस साल तो आप इमेजन नहीं कर सकते एक जवान शख्स की जवानी का गोल्डन पीरियड और कोई गलत काम भी नहीं किया गलत काम से अपने आप को बचाया उसकी सजा काटनी पड़ रही है और उस जमाने की जेल में कल नहीं जेल काटी जाती और जिस तरीके से फिर उन्होंने वो यूसुफा इस्लाम से मुतलका जो फिल्म बनाई है पैंतालीस एक साथ में जो ड्रामा सीरियल है उसमें जो उन्होंने वो तकलीफें दिखाई है ना वो देख के इंसान पसी जाता है हालांकि उन्होंने तो चंद एक सीन फिल्माया उनकी तो जिंदगी के नौ से दस साल क्योंकि बिद आसी नीन आया एक एक दिन सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक और रात पूरी किस तकलीफ में उन्होंने काटी होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस मॉडर्न दौर में जहां जेल खानों में पंखे भी लगे होते हैं बाकी फैसिलिटीज भी खाना भी मिलता है वहां पर भी अगर सूरज की रोशनी ना आए दिन रात का आपको पता ना चले तो इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है और क्या उसके ऊपर गुजरती है और वहां पर जब सेकेंड जो सबसे बड़ी पोस्ट है मिसर उसकी तरफ से वो बंदा रेफर हुआ हो जेल खाने में तो छुड़ाना उसको किसने सबसे बड़ी पोस्ट की तरफ से वो रिकमेंड हुआ है जेल खाने के लिए तो फिर अल्लाह तला ने उनको इस तकलीफ से गुजारा अल्टीमेटली और खुद उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ठीक है मुझे जेल की जिंदगी मंज़ूर है قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने रब के हुज़ूर दुआ करते हुए अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे कैद खाना जेल कबूल है इस गुनाह के बसबब कि जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है इसके अगेंस्ट इससे बचने के लिए मुझे जेल कबूल है तसरीफ आ अगर तूने अपने महजनाय से इस फितने से मुझे ना बचाया कई दाह जो इनकी चालें हैं इन औरतों की और ये जमा के सीगे से तो यही लग रहा है कि यह बाकी औरतें भी इसमें शामिल हो गई पहले तो एक उनके ऊपर मुसलत हुई थी अब ये बाकी औरतें भी उसमें शामिल हो गई असब इलाई हिन्ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके इस जाल में फंस जाऊं और नादानों में शामिल हो जाऊं यूसुफ़ सलाम की आर्जी थी कि उन्होंने अपने नफ्स की बुराई से बचने के लिए अपने नफ्स को अपने रब के हवाले किया और कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस गुनाह से नहीं बच सकता अल्लाह तू ही मुझे बचा अलमुस्तदरकली हाकिम के अंदर एक हदीस है जो हमने अपने ब्लू कार्ड के ऊपर भी डाली है सैयदा फातिमा सलामुल से नबील अस्ताम ने फरमाया मेरी बेटी तू मुझसे क्यों नहीं वो तोहफा लेती और वो तोहफा था दुआ का तो उन्होंने अर्ज किया कि अब बाजान जरूर दें तो नबील अस्ताम ने फरमाया कि सुबह शाम एक दफा ये पढ़ लिया करो या हयू या कयूम बेरहमति का अस्त असलिखली शनी कुल्ला वाला तकिलनी इला नफसी तरफत आइन ए खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं या हैयू या कयूम मे का अस्तगीर अगले अल्फाज जो हैं कमाल के हैं कुल्ला मेरे लिए इसला फरमा दे हर अमल के अंदर वाला तकिलनी इला नफसी तरफत आइन और मुझे 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 पलक झपकने के बराबर भी कभी मेरे नफ्स के सुपुर्द न करना तू नहीं मुझे संभालना ये ऐसी कमाल की दुआ है ये सुबह शाम के फातिमा को नबीम ने बुला के कहा कि बेटी ले ले मुझसे ये दुआ खातून जन्नत को ये दुआ तालीम की गई यहां पर भी देख लें यूसु इस्लाम क्या कह रहे है? कि अगर तूने मुझे इनकी चालों से ना बचाया तो मैं गुनागारों में शामिल हो जाऊंगा तू ही मेरा पुष्पना बन जा और पुष्पना जब अल्लाह ताला हो तो बगैर असबाब के भी कोई बचने की सबील निकाल सकता है लेकिन यूसुफ इस्लाम को भी पता था कि ये जो मेरी रिक्वेस्ट है वो किसी और तकलीफ के साथ जरूर जुड़ी हुई होगी क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने इसबाब के साथ जोड़ा वो वैसे भी तो दुआ कर सकते थे अल्लाह मुझे जेल से भी बचा ले इन औरतों से भी बचा ले जिस तरह हम जितनी कैलकुलेटेड दुआएं करते हैं ना ये अल्लाह ये भी ना हो ये भी ना हो ये भी ना हो ऐसा तो नहीं होता भाई वाला व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्ता ये अल्लाह ने जरूर आजमाना है तो पैगम्बर चुके आला दर्जे की तोहिद रखते हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तनाख्त होती है तो उन्हें यह पता होता है कि ये चीजें फिर किसी तकलीफ के साथ जुड़ी होंगी बुखारी मुस्लिम हदीस है कि मुसलमान को जो कोई भी तकलीफ पहुंचती है कोई दुख दर्द अंदेशा कोई जेनी टेंशन हत्या के पाओं में कांटा भी चुभ जाए तो इसके बदले भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है तो ये तकलीफों के साथ मामला जुड़ा हुआ है बल्कि बुखारी में तो एक बड़ी हैरान कन हदीस है कि नबीम ने फरमाया कि अल्लाह तला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे तकलीफ में मुबतला कर देता है बड़ी हैरान कौन बात है एक तो वो हदीस है ना कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक अता फरमा देता है वो भी बुखारी में हदीस। ये भी बुखारी में है कि जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको तकलीफ में मुबतला कर देता है इन न हर मुश्किल के साथ आसानी है हर मुश्किल के साथ आसानी है इसको आप हर आसानी किसी मुश्किल के बाद आने वाली है हर आसानी किसी मुश्किल के बाद आने वाली औलाद जैसी नेमत के लिए भी अल्लाह ताला ने औरत को प्रेगनेंसी की तकलीफ से और डिलीवरी की तकलीफ से गुजारा है यहां पर भी अलैहि सलाम इतनी बड़ी अल्लाह ताला से डिमांड रख रहे हैं तो उन्होंने फिर अल्लाह के हुजूर अर्ज की कि मुझे जेल कबूल है इसके बस कि मैं गुनाह से बस बच जाऊं तेरी ना फरमानी ना करूं इसके बदले मुझे जेल भी जाना पड़ता है ना तो मैं जाने के लिए तैयार हूं फस तू रब पस उसके रब ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया फसर कई दुन और उन औरतों के मकर फरेब को उससे दूर कर दिया इनम बेशक वही सुनने वाला है इल वाला है यानी सुनना इल्म रखना और उसके बाद किसी को नवाजना ये सिर्फ अल्लाह की खूबी है इसलिए तो हमारे महबूब इस्लाम ने जो हमें दुआ सिखाई है अबू दाऊद में तिरमजी में आऊद बिल्लामीम शही तोम अलीम समीम इस्लाम ने बिल्ला के साथ अटैच किया है आऊद बिल्लामी मिन शैतानजीमिन हमज ही व नफ़ी ही व नफ् बिसमिल्लर तो यहां पर अल्लाह तला ने दुआ कबूल कर ली किसी के जहन में वसा आ सकता है कि ये दुआ कबूल हुई है उस जेल के बस तो इसमें यूसुफ अल्लाम के ऊपर अल्लाह तला ने कौन सी इनायत कर दी बहुत बड़ी इनायत है अगर अल्लाह तला ना चाहता तो औरतें उसी जिद के ऊपर येडी रहती वो तो धमकी लगा रही थी ना जेल में तुझे पहुंचा देंगे जेल में ना पहुंचाती वो बार बार उस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करती मुझे बताएं एक दफा तो यूसलाम को अल्लाह ने बचा लिया अपनी बुरहान दिखाकर अगर इसी टेस्ट से उनको बार बार गुजारा जाता तो हर दफा तो कोई बुरहान नहीं आनी थी तो तकलीफ दे चीज थी तो वह बार बार उस तकलीफ से नहीं गुजारा बल्कि सीधा जेल ही पहुंचा दिया तो ये अल्लाह तला की करवाजी थी यूसलाम के ऊपर ثم من بعد ما رأوا الآيات. फिर ये एप पूरे एपिसोड के बाद मुनासिब यही मालूम हुआ हजर यूसल्लाम के उन मुखालफ को जो शैतानी एक एजेंट बनी हुई थी औरतें रयात जब उन्होंने यूसुफ यूसलम की जिंदगी में ये पाकबाजी की निशानियाँ देखी लयस जोनह है तीन के वो उसे कुछ अरसा के लिए कैद कर दे ताकि ये वक्ती तौर पे इशू एड्रेस हो जाए क्योंकि उनकी अपनी इज्जत भी तो स्टेक पे लगी हुई थी ना यूसुफ अस्लाम की तो लोग तारीफ ही कर रहे होंगे तो जब कोई जेल में चला जाता है तो वक्ती तौर पर इश्यूज दब जाते हैं यहां पोलिटिकल लीडर्स को भी इसीलिए जेल में भेजा जाता है वरना वो बाहर बैठेंगे तो रोजाना कोई को ना कोई खिताब करेंगे रोजाना कोई ना कोई नई बात लेके आएंगे अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाए तो कुछ अरसे के लिए सुकून हो जाता है ये तो आपने देखा है हाँ, इधर भी वरना रोजाना कौन से खिताब हो रहा होता था तो किसी दर्जे तक इशू एड्रेस हो जाते हैं यहां पर भी आप देखें उन्होंने कहा कि ठीक है जेल में डालो ये टॉपिक तो डिस्कस होना बंद हो जाएगा ना वरना तो चार बंदे जाके युजुल इस्लाम से पूछे हजरत जरत होया सी सारी ने उंगलियां बढ़ लिया सन क्या सुनाओ जानो फिर वो बार बार चीजें डिस्कस होती थी ना और फिर और खबर फैलनी थी और औरतों की बदनामी होनी थी लेकिन जब वो बंदा ही जेल में चला गया उसका कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता उसे कोई पूछ नहीं सकता कि भाई उस दिन क्या हुआ था तो मामला डिल्यूट हो जाता है ये यानी ये, ये मेरा ख्याल हमारी स्टेब्लिशमेंट ने कुरान पाक से कोई और बात ली है नहीं ली ये वाली बात जरूर ले ली है यूसफ अल्लाम के इस वाक्य से